हेलो एवरीवन, दिस इज मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है? वी डू हैव 10 ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन जो आपके साथ डिजायर कर रहे हैं, इट्स ऑल फन, हैप्पीनेस, अबंडेंस, इमोशनल सिक्योरिटी। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए बट हैप्पीनेस चाहिए आपके साथ। वो जब भी अपना अपने बारे में सोचते हैं, आपके साथ होने के या सोचते हैं, तो वो व्हाट दे वांट इज इमोशनल फुलफिलमेंट। उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, उनको एक प्लेजर चाहिए आपके साथ होते हुए। उनको चाहिए कि आप उनकी ज़िंदगी का एड ऑन हो, और दैट्स ऑल दे वांट। यू नो, उनको इससे बढ़कर फिलहाल कुछ और नहीं चाहिए। उनको आपसे, आपके साथ होकर, आपके पास होकर इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, जो कि उनको शायद एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे कि हाँ चलो मेरे पास ये पर्सन है जिससे मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाट दे वांट। वो फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं। उनको वो जो कंटेंटमेंट उनको फील हो रही है राइट नाउ, दैट्स व्हाट दे आर वांटिंग। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश हैं करंट सिचुएशन में, वो फ्यूचर का ज़्यादा सोच नहीं रहे। आप ऐसे कुछ लोगों को ये बात बॉदर कर रही हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन के अगर हम देखें तो दे आर रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आपका साथ होना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं पर्सन के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम पर्सन उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। पर्सन को करंटली जो आपके लिए फील हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जो इमोशनल फुलफिलमेंट आप उसकी ज़िंदगी में लेकर आते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स टू देम। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। मुझे लगता है कि हो सकता है कि पहला आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता हो हर वक्त, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपने बैलेंस कर पाता है अपने इमोशंस को, अपने अपनी लाइफ को इन अ गुड वे। ऐसे लग रहा है जैसे मैच्योरिटी की तरफ पर्सन आ रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी मौकात है और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में। वी डू हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स। अगेन वी डू हैव टू कार्ड्स जिसमें ओशन है, जिसमें सी है। तो दैट मीन्स कि पर्सन इमोशनली तो बहुत ज़्यादा यू नो आप में इन्वेस्टेड है, इमोशनली पर्सन अवेलेबल भी है। अगर आपको ऐसा डाउट होता है या फियर होता है कि मे बी पर्सन इमोशनली डिटैच्ड है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर एक चीज़ जानते हैं कि जो होना है वो तो होके रहना है। तो आपके पर्सन किसी भी चीज़ को लेकर वरिड नहीं होते इस कनेक्शन को लेकर। उनको लगता है कि जो भी वो डिज़ायर कर रहे हैं शायद वो होके रहना है। हो सकता है उनका मानना ऐसा हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि उनका मानना ऐसा हो कि वो हर चीज़ को ऑन टाइम होता देखना चाहते हैं। वो किसी को चीज़ को लेकर वरिड नहीं होना चाहते, कुछ प्लान नहीं करना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ लिव इन द मोमेंट करते हुए देखना चाहते हैं कि हाउ इट गोज़। उनको इतना एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि दैट्स हाउ दे आर लुकिंग एट यू नो सिचुएशंस इन देयर लाइफ। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस का शिकार रहे हों पहले लाइफ में। इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है, फैमिली को लेकर टर्बुलेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो सकता है। तो उनको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके साथ मिलती है, वो इस चीज़ को जानते हैं कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो उन्होंने आपके साथ बनाई है, वो इस चीज़ को लास्ट करता देखना चाहते हैं। और ये तभी लास्ट होगा जब वो अपने आप को ओवरवेल्म नहीं होने देंगे फ्यूचर को लेकर, यू नो। और अगर वो ओवरवेल्म होने देते हैं और वो अपने गार्ड्स अप नहीं करते इस तरह के थॉट्स को लेकर, तो वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी में टर्बुलेंस ही रहेगी। सो उन्होंने अपने मन में अपने आप को समझाया है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कि जो है वो अभी है और उसको वो फुली एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मेंट टू बी टुगेदर हो, इट विल हैपन, यू नो, उनका मानना ये भी है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको शायद कभी कभी लगता होगा कि बहुत रिलैक्स्ड हैं फ्यूचर को लेकर, लेकिन रिलैक्स्ड इन अ गुड वे हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हाँ नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं, यू नो। इट्स मोर लाइक दे हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, थिंकिंग के
कुछ अच्छा ही होगा, और वो इस मोमेंट को फुली एंजॉय करना चाहता है, बजाय इसके कि राइट नाउ इस करंट मोमेंट को भी खराब करे थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स. तो ऐसा नहीं करना चाहता आपका पर्सन. लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में. आपके पर्सन को आपके साथ स्मूथ सेलिंग चाहिए. वो किसी भी तरह से किसी भी थॉट को नेगेटिवली अपनी लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने देना चाहते. वो यू नो, उनको पता है कि जब वक्त आएगा तो दे वुड पैक देयर बैग्स एंड वुड मूव फॉरवर्ड विद यू. यू नो, उनको वो क्लैरिटी है अपने एंड से, लेकिन एट द सेम टाइम वो कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लेना चाह रहे जिससे डिस्टर्बेंस हो या जिससे कोई भी डिस्ट्रप्शन आए लाइफ में, लाइफ के नेचुरल फ्लो में. सो एक बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जी है आपके पर्सन की. आप से कुछ लोगों को ये एटीट्यूड आपके पर्सन का बहुत ज्यादा अनॉइंग लगता होगा, क्योंकि आपको हड़बड़ाहट चाहिए, आपको क्विक मूवमेंट चाहिए. आपके पर्सन के अंदर वो चीज नहीं है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, ना ही इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर. सो आप में से कुछ लोगों के लिए आप इस चीज से इरिटेट भी हो रहे हो सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं खाली पर्सन की एनर्जी की बात करूं यहां पर, दे फील इमोशनली ड्रॉन टू यू. इमोशनली वो बहुत ज्यादा अटैच है आपके साथ, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत रिलैक्स्ड भी हैं. आप शायद एंक्शियस हो रहे होगे, लेकिन पर्सन एंक्शियस बिल्कुल भी नहीं है. लेट्स सी वन लास्ट मैसेज इस वाले डेक से, उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट डेक की तरफ जाएंगे फॉर द मैसेजेस. क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में. सो वी डू हैव द लास्ट कार्ड विच इज किंग ऑफ सोर्ड्स. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन अपनी लाइफ से बहुत कुछ लर्न कर चुका है और बहुत कुछ लर्न कर रहा है. अपना हर एक्सपीरियंस जो उनका आपके साथ है वो इससे लर्न करना चाहता है, इससे ग्रो करना चाहता है, इससे मचौर अप होना चाहता है. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए वो गाइडिंग लाइट हो जिसको ये कंसिडर करते हैं एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है ये आपका होना उनकी लाइफ में. आप उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते हो. आप में से कुछ लोगों के लिए आपका आपकी गाइडेंस, आपकी आपका आपका इस पर्सन को हेल्प करना टू चूज डिसाइड, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस इंसान के लिए. तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थॉटफुल हैं. आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं है या कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसका रीज़न वो नहीं है जो आपको लगता है. आपके पर्सन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे, दैट रीज़न बिहाइंड इज के वो जानते हैं कि वन द टाइम इज गोइंग टू कम, चीज़ें वर्कआउट कर लेंगे. सो एक बिलीफ है, एक फेथ है, एक कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन को, और करंटली वो जिस एनर्जी में है आपके साथ वो उसमें खुश हैं. सो लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पार्टनर यहाँ पर आपसे, क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पर्सन आपसे. I will make up for everything, I promise. आपके पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो हर वो चीज़ जो कि शायद आपको राइट नाउ भी बॉदर कर रही है, दे विल मेक अप फॉर इट. वो अपने आप को क्लियर कर लेंगे, अपना कार्मिक डेट क्लियर कर लेंगे आपके साथ. आपको अगर हर्ट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो जब टाइम आएगा आपको सब पता चल जाएगा, आपको सब दिख जाएगा कि क्या है क्या नहीं है. आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी हैप्पी. ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको खुश रखेगा और खुश रख रहा है, लेकिन आपके माइंड में शायद थोड़ा एंग्शियस होने की वजह से एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग आती है, जो कि शायद आपको नहीं आनी चाहिए. अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी विद दिस डेक, और जब मैं शफल कर रही हूँ, आई कैन चैनल वन एनर्जी. आप इसे कुछ लोगों के लिए आपके माइंड में एक फियर आता है इस इंसान को लेकर, कभी कभी जिससे आपकी फाइट हो सकती है उस इंसान को लेकर, उस इंसान से आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकता है. लेकिन जब भी आपकी फाइट या आर्ग्यूमेंट हुई है, आपको कुछ दिन बाद या एक दिन बाद आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि आपने गलत किया पर्सन के साथ, आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया उसको. सो अगर ऐसा होता है और आपको बाद में थोड़ा यू नो एक गिल्ट फील होता है, बट देन आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं. आपको इन चीज़ों से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं आप जानते हो, बट कभी कभी जब आपको चीज़ें वैसे होती दिखती नहीं जैसा आप चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं पर्सन को उस तरह से कुछ कह देते हो जो कि शायद आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव इन्फ्लुएंस एक डालता है. और मुझे लगता है कि आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. इवन तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन जो है उन चीज़ों को अपने सर पे सवार करेगा या नेगेटिवली कुछ करेगा, लेकिन आपके एंड से एक वो गिल्ट रहता है जो कि आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली आपके एंड से ख़राब कर सकता है. सो कोशिश करो कि आप अपने आप को पर्सन को लेकर रिलैक्स रहो, अननेसेसरी फाइट आर्ग्यूमेंट पिकअप नहीं करो. बी पेशेंट विद मी प्लीज़. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसके साथ पेशेंट रहो, रिलैक्स रहो. वो चीज़ें हैंडल कर रहा है और वो चीज़ें हैंडल कर लेगा. आप इसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में इस इंसान को लेकर आगे चलना चाहते हो, चल भी रहे हो, लेकिन आप जिस तरह से चाह रहे हो शायद वैसी मूवमेंट नहीं है. तो अगर आप रिलैक्स हो पाओ, अगर आप
सरेंडर कर पाओ, तो आपके लिए इस रिलेशनशिप में और ज्यादा ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। लेट्स सी लास्ट मैसेज क्या है पर्सन का आपके लिए। यू आर सो सो स्पेशल टू मी, आई माइट नॉट सी दैट टू यू डायरेक्ट। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो आपसे कह नहीं पाता है और कह नहीं सकता है। लेकिन जब टाइम आएगा, जब वक्त होगा इन सब चीज़ों का, तो वो डेफिनेटली विल मेक श्योर कि आपको रियलाइज भी हो और आपको फील भी हो कि आप उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। आपके साथ होना उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फेयरफुल होना चाहिए। बट स्टिल अगर आपको डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं, तो जस्ट नो कि आपकी पर्सन आपके साथ जो उनका चैप्टर रहा है उससे उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है, वो बहुत कुछ आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ ही। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करो। आपको कभी कभी लगता हो सकता है कि जैसे पर्सन जो है आपके साथ नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहता, दैट्स नॉट द केस। पहले कार्ड से ही हम ये बात कर चुके हैं कि यू आर देयर हैप्पीनेस, आपके साथ वो अपनी जिंदगी कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आपके साथ खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। आपके साथ होना उनकी ज़िंदगी में एक हेल्दी बैलेंस लेकर आ रहा है, वो वर्क के साथ साथ आपको अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के साथ। लेकिन अगर आपके मन में डाउट आता है, फियर आता है, बिकॉज चीज़ें स्लो डाउन हो सकती हैं, आपको लग सकता है कि आप यू वॉन्ट थिंग्स स्पीड अप, और उनके एंड से वो हैप्पी हैं इस सिचुएशन में, तो आपको वो एक एक अलाइनमेंट लगेगा कि शायद नहीं है फ्यूचर को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी अलाइनमेंट डिटरमिन करती है आपका करंट पर्सन के साथ कैसा चल रहा है, लेकिन आप शायद फ्यूचर का लेकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो सकते हो या फिर एंशियस हो रहे हो, जिससे आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा। कोशिश करो कि यू रिलैक्स योरसेल्फ। आप मुझे लगता है कि आपको भी आपके पर्सन के एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करना चाहिए और अपने पास एक्सपीरियंस से भी कुछ लर्न करना चाहिए, जो कि शायद करंटली आप उसको ओवरलुक कर रहे हो और आप स्टिल वही पैटर्न यूज़ कर रहे हो जो कि आपने अपने पास रिलेशनशिप्स में यूज़ किया। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।